हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग टुडे। तो आज छुट्टी के दिन है और छोटा मोटा शॉपिंग के लिए ऐसा लग रहा था कहीं जाना चाहिए, तो आज हम आ गए हैं वन ऑफ द फेवरेट स्टोर। पीछे दिख रहा है ब्लू और येलो। जी हाँ, ये आईकिया है। तो आईकिया आ गए हैं और थोड़ा सा एक्चुअली घर का सामान भी लेना था, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। अंदर जाते हैं, थोड़ा सा सामान लेते हैं अंदर। एक्चुअली इनको एक गोल्फ कार्ट लगा देनी चाहिए, इतना लंबा अंदर। खुद ही एक एडवेंचर है सही में, इधर से उधर। मतलब एक सेक्शन में आप एंटर कर जाओ, उसके बाद अगर किसी सेक्शन में आपको वापस कुछ देखना है, यू हैव टू वॉक सो मच। तो चलिए पैरों में लगा लेते हैं व्हील्स और घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। इट टेक्स वेरी मच एनर्जी टू वॉक अराउंड आईकिया, सो लेट्स गो। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पसंद आ गया क्या रूम ये? हाँ अच्छा, पूरा मतलब एकदम फैंसी से बना के रखते हैं ना ये देखिए, अच्छा लग रहा है आराम से। ये कौन है भाई जो एक ही कलर के चार चार पेयर के शूज रखे हो पहनता है? सेम टाइप। हाँ नहीं, ये हॉबी रूम जैसे है ना ऐसे। हाँ, हॉबी रूम या अपना, हाँ कुछ भी कर सकते हो ना, उसी टाइप से बना हुआ। हाँ तो देखो ये आ गया है, एक पूरी दुनिया यानी हॉल में या घर में पूरी दुनिया बसानी है ना, तो इस तरह से स्टार्ट करो। तो ये लिविंग रूम टाइप से है, यानी टीवी है और आप अपने बुक शेल्फ वगैरह लगा सकते हो। उसके अलावा बुक शेल्फ लगाने के बाद ये देखिए किचन है, किचन भी आप कहीं से बना सकते हो। आप पास में दिखाते हैं यहाँ से ना, किचन और किचन में वो ये नॉर्मल अपना हॉब है, ओवन है और डिश वॉशिंग के लिए है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और साथ में इतनी ही दुनिया में आपको सब कुछ करना है। और सबसे बड़ी खास बात आपको बताता हूँ, पास आइए, कि अगर आपको एग्जैक्टली ये सेटअप बनाना है ना और आपको डाउट है कि ये एरिया कितना है, तो उन्होंने बताया है कि ये देखिए, अगर आपका जो लिविंग रूम है उसका साइज 25 स्क्वायर मीटर है, तो आप उसके हिसाब से ये सारी की सारी चीज़ें लगा सकते हो और ऐसा वो एग्जैक्टली आके दिखेगा। तो यानी ऐसा एरिया उसका दिखेगा पूरा आराम से, ये क्वाइट पॉसिबल है। एक और सेटअप में एंटर हुए हैं, अगर आप आर्ट लगे हो तो ये देखिए, हर तरफ आर्ट ही आर्ट है, पेंटिंग से पेंटिंग है। टीवी है इधर और टीवी अच्छा पता भी नहीं चल रहा। हाँ इतने सारे, मतलब पूरा रूम में भरा हुआ है। ये देखो पूरा की तरफ से रूम है ना, चारों तरफ से पेंटिंग से भरा हुआ है रूम तो ये, और बीच में सोफा है। अगर आप बाहर रहते हो तो आपको असेंबलिंग का जो है बादशाह बनना पड़ता है यहाँ पे, और आपको पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है। आपको छोटा छोटा भी सामान लेना है तो आपको असेंबल ही करना पड़ता है। मैं इसको देख रही थी कि ओके इसको ले सकते हैं, फिर मैंने देखा कि ये मतलब कैसे है, किधर है, मतलब कहाँ से इसको कलेक्ट करें, तो आप इसको यहाँ से कलेक्ट करें और आप इसको सब इसके इसके टुकड़े बिखरे हुए हैं, इसको भी असेंबल करें, इसमें भी वो स्क्रू लगा के जोड़ना है। हाँ सामान असेंबल कर लिया ना, डू इट योरसेल्फ, तो नाउ आई डोंट वांट टू डू इट मायसेल्फ। और ग्लव्स भी दिए हुए हैं, अच्छा है कि साथ में ये लोग ग्लव्स पहन के ये करो। तो दोस्तों चलते चलते थक गए हैं, लेकिन खुशी की बात ये है कि कहीं और नहीं जाना, इतनी बड़ी जगह है। तो रेस्टोरेंट जस्ट पीछे ही है, देखिए पीछे जो दिख रहा है वो रेस्टोरेंट है। तो चलिए चल के कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं और फिर वापस तैयार करते हैं अपने आप को वापस आईकिया की दुनिया में दौड़ने के लिए। ये इनमें से ग्लास ले लो, जाके पानी डाल दो बाद में। और ये क्या छोटी मोटी वाइन है क्या ये? हाँ उसी टाइप से है। और ये खाने के लिए रेडी टू ईट है। बाकी जो पीछे दिखाई दे रहा है वो लाइव काउंटर्स हैं, लाइव काउंटर से आप उठा के कुछ भी खा सकते हो। तो काउंटर तक पहुंचने वाले हैं, काफ़ी भीड़ क्यू लगी हुई है, तो बारह बारह नंबर आने वाले हैं। मैं खाने वाली हूँ प्लान्ट्रिज बैले और राजीव खाने वाले हैं बर्गर मैक फ्राइज, तो बर्गर विद फ्राइज, और मैं खा रही प्लांट बेस्ड बोल्स होंगी विद फ्राइज। केचप ले लेते हैं, सेल्फ सर्विस है, केचप को आ जा। पूरी भर के लूँगा। फूड मिल गया है, जाके भी बैठते हैं और फटाफट खाना स्टार्ट करते हैं। ये राजीव का मील है, ये मेरा मील है,
तो चलिए खाना आ गया, खाते हैं, आराम से भूख लगी है। और पीने के लिए भी यहाँ पे ड्रिंक है, ड्रिंक में मतलब खाली ग्लास रहते हैं, अंदर मशीन लगी हुई है तो बार बार भर के लाओ तो वो कर सकते हैं, बट लेकिन अभी भूख लगी बड़े जोर से तो खाते हैं। ये देखिए इधर बाहर का सिस्टम बना सकते हैं आप आसानी से, ऐसा बना रखा है, यहाँ से सर्व करो, काउंटर है ना, इधर ये काउंटर है और इधर बैठ के आप खा सकते हो आराम से। तो बोलो मैडम क्या ऑर्डर करना है, आपके पास छोटा बिजनेस है बेकरी का तो ऐसे आप सेटअप कर सकते हैं, सैंपल ब्रेड दिखाई भी है लोफ के साथ, और ये देखिए असली नहीं है, नकली प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। और यहाँ पे देखिए आपका ये जो पिन मशीन बोलते हैं इसको, तो वो रखी हुई है, काफ़ी छोटा सा सेटअप है, काफ़ी अच्छा कोजी है, कॉफ़ी मशीन है, काफ़ी एकदम अच्छा कोजी सेटअप है। तो मैडम क्या चाहिए, खाली वीडियो नहीं बनाने का, इधर कुछ फोकट में नहीं बैठने का, कुछ खरीदना पड़ेगा। हमारे पास मफन है, बस मफिन मिलेगा, आई डोंट लाइक मफिन्स। और रेट भी है, अब रेट पड़ गया है मैडम, इधर देखिए टी नहीं है हमारे पास, ये रोजान इज 3.5 पैसा नहीं चलेगा, नो प्रॉब्लम, पहले पैसा। मैं घूम रही हूँ थोड़ी देर से, बट राजीव मेरे पीछे से गायब हो गए हैं, कहाँ है, ओ ओ ओ ये देखिए व्हाट ही इज डूइंग। भाई मैं आपको देख रही हूँ, आप कहाँ गायब हो गए? थक गया, आपके बैठ गया हूँ घर में, बहुत थक गया, एकदम ऐसा मन कर रहा है कि वह सब बैठे रहो चुपचाप, कुछ कुछ मत करो आराम से, और नहीं देखना कुछ भी। आई किया भाई, बहुत टफ जगह है। आप सब जानते ही हैं लड़कियां तो शॉपिंग के मामले में बहुत ही फास्ट होती है, विंडो शॉपिंग भी करनी है तो भी पैर नहीं दुखते। तो देखिए दोस्तों जाने का टाइम हो गया, लेकिन चेकआउट के बाद एक आपको बहुत ही स्पेशल जगह मिलती है, यानी स्नैक्स आप खरीद सकते हो, बहुत ही यानी चलते फिरते जो स्नैक्स हैं, आपने यहाँ पे समोसा चले, यहाँ समोसा तो नहीं है यहाँ पे, यानी वेजिटेरियन हॉट डॉग टाइप से है और नॉर्मल हॉट डॉग भी, लेकिन आज हमारा मन आइसक्रीम खाने का, तो क्यों ना एक आइसक्रीम आपको दिखाते भी है कि यहाँ पे कैसे ऑटोमेटेड तरीके से मिलती है। ऑर्डर आप ऑनलाइन कर सकते हो मतलब कि मशीन के थ्रू, और वो आपको एक कोइन देंगे, एक कोन देंगे, और फिर आप मशीन से जाके डायरेक्ट ले सकते हो, तो वो आपको सोचा क्यों ना दिखाएं। तो चलिए आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं, किधर आइसक्रीम, किधर है ये भी सॉफ्ट वनीला 99 सेंट्स की है। मिला है कोन और एक कॉइन, तो ये है आइसक्रीम, दैट्स इट, नाउ यू कैन हैव इट। द कॉइन जल्दी मिल गई। तो दोस्तों चलते चलते बहुत थक गए, और जहाँ मन कर रहा है ऐसे जो चेयर्स हैं या फिर सोफे हैं ना वहाँ पे जाके बैठ गए हैं, तो अब मन कर रहा है कि बस किसी तरह घर पहुँच जाए और बिस्तर पे जाके आराम करें, इतना थक जाते हैं। काफ़ी घूम चुके हैं, काफ़ी कुछ देख चुके हैं, बेडरूम्स, लिविंग रूम्स, किचन, दिस एंड दैट, और थोड़ा वो जो सामान हमें लेना था वो ले लिया है, बट थोड़ा बाकी है तो थोड़ा और घूमते हैं, बट इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और अभी थोड़ी देर में हम घर के लिए निकलेंगे। तो ये था आज का ब्लॉग, होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया तो जरूर लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन सो फार। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, टिल देन सी यू ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय।